और देखिए रेमल तूफान से जुड़ी बड़ी अपडेट, बंगाल के तट से टकराया तूफान। रेमल तूफान का कोलकाता में असर देखने को मिला, कई इलाकों में भारी बारिश की खबर मिल रही है। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई है। फिलहाल एहतियाती कदम कई सारे उठाए जा रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कई सारी जो वार्निंग्स है, चेतावनी है वो दे दी है। एयरपोर्ट पर फंसे कई यात्री इस वक्त परेशानी में है क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कई बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की हालांकि 14 टीमों की तैनाती भी की गई है, जो कि फिलहाल रेस्क्यू करने के लिए और इमरजेंसी से निपटने के लिए लगाई गई है। तूफान से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, तो पेड़ों के गिरने की वजह से यहां पर जो यातायात है वो प्रभावित नजर आ रहा है। पेड़ों को हटाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, 14 टीमें एनडीआरएफ की मौके पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू कर रही है, पेड़ों को हटाने का काम कर रही है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए लगातार वो तैयार है। बंगाल के तट से फिलहाल रेमल तूफान टकरा गया है और रेमल तूफान से जुड़ी पल की अपडेट लगातार कई दिनों से भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से चक्रवाती तूफान काफी नुकसान लेकर आने वाला था ये भी बताया गया था और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, खासतौर पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल रेमल तूफान का कोलकाता में अब असर भी देखने को मिलने लगा है, कई इलाकों में भारी बारिश होने लगी है, आंधी तूफान चल रहा है जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें मिल रही हैं। पेड़ हटाने का काम एक तरफ जहां जारी है, वहीं लोगों से यही पर पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रेमल तूफान से जुड़ा यह बड़ा अपडेट, कोलकाता में असर रेमल तूफान का, चक्रवाती तूफान का देखने को मिल रहा है और तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तभी अपने घर से बाहर निकले, वरना अपने घरों में ही रहे। और इस बीच मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है, लगातार नजरें मौसम विभाग की पूरी सिचुएशन के ऊपर बनी हुई हैं। रेमल तूफान से जुड़ी एक खबर जहां पर कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल दो तस्वीरों के जरिए आप कोलकाता की तस्वीर देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कुछ हालात वहां पर बन रहे हैं। जलजमाव कई जगहों पर हो गया है, ये खबरें मिल रही हैं। सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, पेड़ों को हटाने का काम लगातार जारी है। बंगाल में तट से टकराया है तूफान, जिसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके ऊपर नजरें लगातार मौसम विभाग की बनी हुई है।